और इस क्षेत्र के कैंडिडेट इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के भाई कुलदीप कुमार जी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए आया हूं। इसके बाद अगला नामांकन कैमरा जरा पीछे कर ले भाई, फूट आ रहा है, जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब खुद से देगी। थोड़ा पीछे हो जाओ। इस तरह से उनके मुख्यमंत्री, उनके भाई, उनके लाल को जिन्होंने दिल्ली के लिए फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री इतनी सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दिया, आज ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया है प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली की जनता जेल का जवाब खुद से देने के लिए तैयार है और मैं समझता हूँ कि सातों सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को आएगी। आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है वहाँ तो हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जिन्होंने इस देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है, जिन्होंने इस देश के अंदर जुल्म की सारी इंतहा पार कर रखी है, ऐसी हुकूमत, ऐसी सरकार को देश की जनता हटाने का काम करेगी। कुलदीप कुमार इस क्षेत्र के वो प्रत्याशी हैं जो समाज के वंचित वर्ग, दलित वर्ग से आते हैं। एक सामान्य सीट से अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चुनाव लड़ाया है। ये एक संदेश देने का काम किया है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में यकीन करते हैं और बाबा साहब के संविधान को मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्योंकि भारत बाबा साहब का संविधान मानता है, बीजेपी भारत का संविधान मानती है। बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है, वोट की ताकत खत्म करना चाहती है। इस देश के लोकतंत्र को, वोट को, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इस बार लोग आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संजय जी, कल तिहाड़ में हत्या हो गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। देखिए, हम लोग बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएँ हमेशा आप लोगों के साथ हमने साझा की है और इसीलिए हम कहते हैं कि जिस गहरी साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था उसके प्रति सबको सचेत रहना चाहिए, सबको निगरानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा ये कोई भी घटना मुख्यमंत्री के साथ अंजाम नहीं।